मुझे ये पता चला कि सरजील की फैमिली के साथ जो है कुलसुम आंटी का जो है थोड़ा बहुत मतलब अनबन हुई है कुछ कुछ चीज़ों को लेके, पर्सनल चीज़ों को लेकर। अब कौन सी चीज़ मैं ये सोशल मीडिया में बोलना नहीं चाहती, क्योंकि सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था, चाहे ये कमेंट पे हो या फिर पर्सनली हो और DM हो, कि कुलसुम आंटी की जो बेटी है आफरीन, उसके साथ क्या हुआ, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो उसी के रिलेटेड मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। देखो, पहली बात तो ये है, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन काफ़ी दिनों से लोगों के कमेंट आ रहे थे और तरह तरह की बातें जो है ना वो उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे, बातें निकल के आ रही थी। ठीक है, तो पहली बात तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ मेरी प्यारी बहनों, कि मुझे ना किसी के बेटी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बेटियाँ हैं, किसी के घर में है तो किसी के घर में जाना है, चाहे मेरी हो, आपकी हो, कुसुम आंटी को, रियाना आंटी को, मरियम आंटी को, किसी के भी हो, बेटियाँ हैं। तो मुझे मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि बेटियों के ऊपर से मैं जो है वीडियो बना के पैसे कमाऊँ, क्योंकि मैं अगर किसी के बेटे पे फॉल्स नैरेटिव या फॉल्स बातें या फॉल्स एलिगेशन करूँगी तो कल को मेरी बेटी के ऊपर भी घूम के आएगा, और अगर वो चीज़ें अगर सही भी हो तो भी मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है। पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता, हर किसी का अपना अपना पॉइंट व्यू, बट आप लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे थे इसलिए सोचे मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। मैंने थोड़ा बहुत पूछताछ किया, बहुत लोगों के बहुत सारे नैरेटिव्स थे कि क्या नाम है उसका, सरजील के साथ वो चली गई, शादी कर ली, ऐसा वैसा। तो मैंने जहाँ तक सुना है, ठीक है, जहाँ तक मैंने सुना है कि कुलसुम आंटी का सरजील की फैमिली के साथ, अब मुझे रियलिटी बिल्कुल भी नहीं पता है, जहाँ तक मैंने पूछा एक दो लोगों से, उनकी बातें मैं कर रही हूँ, रियलिटी तो कुलसुम आंटी आफरीन या सरजील की फैमिली ही बता पाएगी। मैं थर्ड पार्टी से पता किया है, कुलसुम आंटी शायद ये मेरी वीडियो देख रही होगी। कुलसुम आंटी, अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई करना, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी से पता चला है, डायरेक्टली तुमसे पता नहीं चला है। मुझे पता है तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, देखती हो। मुझे ये पता चला कि सरजील की फैमिली के साथ जो है कुलसुम आंटी का जो है थोड़ा बहुत मतलब अनबन हुई है, कुछ कुछ चीज़ों को लेके, पर्सनल चीज़ों को लेकर। अब कौन सी चीज़ मैं ये सोशल मीडिया में बोलना नहीं चाहती, क्योंकि हर किसी की एक पर्सनल लाइफ है। हम अगर अपना पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, दैट डजेंट मीन कि सब कुछ एकदम अंदर की भी बात खोद के दिखाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में भी है, मैं हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम क्या कर रहे हैं, कब उठ रहे, कब खा रहे, कब बैठ रहे। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो सेंसिटिव चीज़ें होती जो हम नहीं दिखाते और ना दिखाना चाहते हैं। तो मुझे थर्ड पार्टी से जितना पता चला, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और बहुत लोग आके हमको कमेंट में पूछे, पर्सनली पूछे, तो मुझे लगा उन बहनों को मुझे चीज़ें बतानी चाहिए। मुझे थर्ड पार्टी से पता चला कि सरजील की फैमिली के साथ कुलसुम आंटी का जो है उनका जो है थोड़ा मतभेद हुआ है, मतभेद होने के कारण शायद शादी टूटने की कगार पर थी, जो भी था, वॉट एवर। तो आफरीन जो है अभी सरजील की फैमिली के साथ ही रहती है, और सरजील ने नया जो है चाइनीज़ सेंटर जो है फास्ट फूड सेंटर चाइनीज़ का, वो भी खोला है, और अभी फ़िलहाल आफरीन कुलसुम आंटी के साथ नहीं, सरजील के साथ ही रह रही है। मैं भी उन लोगों ने शादी भी कर लिया है, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। अब कुछ कुछ सर लोगों का ये सवाल था कि उन लोगों की तो सगाई हो चुकी थी इतनी धूमधाम से, जी हाँ ऑफकोर्स सगाई हो चुकी थी, तो भाग के शादी करने की क्या ज़रूरत थी। तो कुछ कुछ घर में कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि शादी फिक्स होने के बाद भी शादी टूट भी जाती है। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है, मैं हर किसी को ये चीज़ पता नहीं, बस मेरे खास मेरी जो दोस्त नाज़ उसको पता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट मैंने भाग के शादी नहीं किया था, जो हमारे में मंगनी नहीं हुआ था, लेकिन बातचीत हो गई थी, बात पक्की हो गई थी। बात पक्की होने के बाद जो होते हैं ना, बोलते हैं ना कि बात पक्की करने के बाद रिश्ता टूट गया था, क्योंकि लड़के वालों ने दहेज की डिमांड किया था। मेरे पापा ने यही बात बोली थी कि मेरी एक ही बेटी है तो मैं तो दूंगा ही, इसमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग खुद से आके दहेज मांग रहे हो, मतलब मेरे पापा के हिसाब से आप लोग लालची हो, जो भी हो, वट एवर। तो हर किसी का एक अलग रीज़न होता है रिश्ता टूटने का, जुड़ने का, जो भी है। ये उनसे बेहतर जिनके बीच में ये दो एक रिश्ता जुड़ा है, कि उनसे बेहतर कोई थर्ड पार्टी नहीं जान सकता, वही लोग जान सकते जो उनके करीब है। तो हवा हवा से वाया वाया ये खबर मुझ तक पहुँची है।
कि आफरीन जो है अभी सर्जन के साथ रह रही है, माँ बेटी में कुछ चीज़ों को लेके बातों को लेके अनबन हुई है, सर्जन की फैमिली के सब कुछ चीज़ों को लेके बातों को लेके अनबन हुई है, जिसके बाद जो आफरीन सर्जन की फैमिली को सपोर्ट कर रही है, वो सर्जन के साथ शादी करना चाहती है, वो सर्जन के साथ ही रहना चाहती है, तो इसीलिए अभी वो फिलहाल सर्जिल के साथ है, उन लोगों ने शादी कर लिया है और खासी खुशी घर बसा रहे। अब मुझे ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, मैंने भी थर्ड पार्टी से ही खबर लिया है, जो लोग कुलसुम आंटी के जो है क्लोज है, कुलसुम आंटी को जानते आना जाना है, उनसे ही पता करा मैंने, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। अब रियलिटी क्या है वो कुलसुम आंटी बता सकते, आफरीन बता सकती, सर्जिल और उसकी फैमिली बता सकती है, ना मैं बता सकती ना थर्ड पार्टी बता सकते। क्या गारंटी है थर्ड पार्टी जिन्होंने मुझे बोला है, मैं उनको गलत नहीं बोल रही, उन्होंने भी एग्जैक्ट सही बोला होगा, ठीक है। बट मुझे जहाँ तक इतना पता चला कि सर्जिल और आफरीन की शादी हो चुकी है, कुलसुम आंटी उन लोगों से नाराज़ है, दुआ करती हूँ कि माँ बेटी के बीच की जो दीवार है वो ख़त्म हो जाए और माँ बेटी वापस से मिल जाए, एक हो जाए और पहले की तरह हंसी खुशी जो है उनका रिश्ता जो है वो निभाए। मैं तो यही दुआ करूँगी, मैं कभी ये नहीं चाहूँगी बींग ए मदर, और मैं भी एक बिन माँ की औलाद हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी से अपना माँ जो उसका माँ जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है ना दुनिया में कोई भी चीज़ से ना, आप पैसा बोलो, हर चीज़ से परे होता है माँ का प्यार। माँ का प्यार एक ऐसी चीज़ होती है ना, आप करोड़ों अरबों खरबों भी डाल दो ना तो वो प्यार आप नहीं खरीद सकते। माँ आप बना सकते हो, रिश्ते बना सकते हो, बहुत सारे लोग को आप माँ बुला सकते हो, लेकिन माँ जैसा प्यार बहुत कम लोग कर सकते हैं। मैंने भी किसी को माँ बनाया था, किसी को माँ माना था, बट माँ का जो प्यार होता है ना वो अलग ही होता है। माँ अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती, माँ इतना देखती कि मेरी बेटी खुश होना चाहिए, मेरी बेटी की खुशी किस में है। कभी कभी होता है माँ बाप थोड़ा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के बीच में और माँ बाप के बीच में क्लैशेस आ जाते हैं। अब मेरा बेटा भी अभी ही बोलता है, वो अभी बोलते तुम मुझे मारती हो, तुम मुझे मारते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे मारते हो। हालांकि 2.5 साल का बच्चा वो बोलता है, बट मैं उसके भले के लिए मारती हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं प्यार उससे बहुत करती हूँ, लेकिन वो गलत करता है तो मैं गलत को रोकने के लिए मारती हूँ। लेकिन बच्चे कभी कभी ये सारी चीज़ें समझने में गलती कर देते हैं। माँ बाप से ज़्यादा अच्छा जो है ना एक बच्चे के लिए ना उसका पति, ना उसकी पत्नी, ना उसके ससुराल वाले, ना उसके बेस्ट फ्रेंड, ना उसके भाई बहन, कोई नहीं सोच सकता सिवाय माँ और बाप के। और माँ एक ऐसी चीज़ है ना, एक टाइम के लिए बाप अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग जाता है, लेकिन माँ कभी अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती है। माँ पत्थर की तरह बन जाती है अपने बच्चों के लिए कि कुछ भी आए तो मेरे से टकराए, मेरे बच्चों तक ना पहुँचे। सो अगर ऐसी चीज़ है, अगर माँ बेटी के आफरीन और कुलसुम आंटी के बीच में ऐसा हुआ है, और अगर आफरीन मेरी ये वीडियो देख रही है, तो मैं आफरीन से इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी कि माफ़ी मांग लो, वापस चली जाओ। माँ का दिल जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, माफ़ी तो तुमको मिल जाएगी, लेकिन अभी जो माँ का दिल दुख रहा है ना, इससे तुम एक टाइम पे बहुत पछताओगी। और अगर कुलसुम आंटी मेरी ये वीडियो देख रही है, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी, बच्चे गलती करते हैं, हम माँ बाप का काम होता है बच्चे की गलती को सुधारना, उनको मारना, उनको डांटना, उनको रोकना, उनको ठोक के सीधा करना, ना कि उनको छोड़ देना अपने हाल पे। इसी को कहते हैं माँ, धरती माँ के ऊपर से लोग कितने रौंद के चले जाते, बुलडोज़र चलते, कत्लेआम होती, न जाने क्या क्या चीज़ होती, लेकिन धरती माँ भी सहती है। हम माओं का भी यही फर्ज होता है कि बच्चे चाहे जितनी भी बदमाशी करें, जितनी भी गलतियाँ करें, उनकी गलतियों को हमको पकड़ के उनको जो है ना समझाना है, चाहे प्यार से हो या मार ठोक के हो। सो मैं तो दुआ करूँगी कि माँ बेटी के बीच का रिश्ता जो है वो सही हो जाए, और सर्जिल और आफरीन की जो शादी है उसको एक्सेप्ट कर ले और बहुत अच्छे से रिसेप्शन दे, जैसे कि सगाई में हुआ था, क्योंकि कुलसुम आंटी ने सगाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। मुझे लगता है कि कुलसुम आंटी के पति भी इतना नहीं कर सकते थे जितना कुलसुम आंटी ने किया, और मुझे वो सगाई का वो मंजर देख के बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा मैं इंस्पायर भी हुई कि एक माँ अगर अपने बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं, हम तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। और कुलसुम आंटी ऐसे लोगों में से है जो रिश्तों को जोड़ के रखने में बहुत बिलीव करती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कुलसुम आंटी के देवर, हालांकि उनके पति के साथ उनका जो है डिवोर्स कई साल पहले हो गया, लेकिन अभी भी उनके ससुराल वालों के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। इस चीज़ की मैं दाद देती हूँ, कल को अगर मेरे पति और मेरे बीच का रिश्ता ख़राब हो जाए, तो भी शायद मैं अपने ससुराल वालों के लिए इतना अच्छा नहीं बन पाऊँगी, या फिर मैं जुड़ के नहीं रह पाऊँगी। लेकिन कुलसुम आंटी अभी भी है, उनके देवर बाकायदा उनको माँ बुलाते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें कुलसुम आंटी की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मेरे तो यही प्रेयर रहेगी कि जो भी कुलसुम आंटी की ज़िंदगी में अभी फिलहाल चल रहा है, चाहे मनोज सोलंकी को लेके हो या फिर आफरीन को लेके, जो भी सारी चीज़ें, प्लीज़ कुलसुम आंटी ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो आफरीन को, और वापस बुला लो घर, और धूमधाम से वापस से वलीमा कराओ। मेरा तो यही
आपको कहना रहेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है। एंड इसके बाद आई होप आप लोग का जवाब मिल गया है। सो आज के बाद मैं किसी की बेटी के ऊपर कोई वीडियो मैं बनाना चाहती नहीं हूँ, ना ही मैं बनाऊँगी। बस आप लोगों को थोड़ी क्वेरीज थी तो उसका मुझे आंसर देना था, तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या है वो भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।